और गाइस, तो कैसे हो यार तुम सब। आज की इस वीडियो में हम एक और वैलोरेंट लैग फिक्स करने वाले हैं, तो बहुत छोटी वीडियो होने वाली है। तो जल्दी से सबसे पहले आ जाओ डिस्कॉर्ड में। डिस्कॉर्ड में आने के बाद आ जाओ मीडिया शेयर में। यहाँ पे तुमको एक फाइल मिलेगी, उसको डाउनलोड करो। ओके, और फिर दिस पीसी में आओ, सी में आओ और यूजर में आओ, और जो भी तुम्हारे पीसी का नाम है वहाँ पे आओ। और यहाँ पे व्यू से एक बार हिडन आइटम को क्लिक कर देना। उसके बाद जो भी तुम्हारे पीसी का नाम है वो, फिर ऐप डाटा, लोकल और वैलोरेंट, सेव्ड, कॉन्फिग, कुछ नंबर्स आएंगे, फर्स्ट फोल्डर और फिर विंडोज और गेम यूजर सेटिंग। ठीक है, यहाँ पे तुमको पेस्ट मार देनी है जो मैं फाइल तुमको यहाँ डिस्कॉर्ड पे दूंगा। ठीक है, एक बात तो वही है। फिर तुमको यहाँ वैलोरेंट पे आना है, ओपन फाइल लोकेशन करना है, थोड़ा पीछे जाना है और ये फोल्डर खोलना है। अब देखो यहाँ पे तुमको दो फोल्डर दिखेंगे, एक तो रियोट क्लाइंट और वैलोरेंट। सबसे पहले फर्स्ट वाले फोल्डर में आ जाओ। अब यहाँ पे तुम आओगे तो तुम्हारा जो फोल्डर होगा, तुमको यहाँ पे क्रोम DLLFLE करके कुछ फाइल होगी क्रोम की, तो उसको यहाँ से डिलीट कर दो। ओके, और यूएक्स में आओ। अब तुम यूएक्स में आओगे तो यहाँ पे भी वो फाइल होगी क्रोम की, उसको डिलीट कर दो। अब मैंने वो फाइल थोड़ा 2-4 दिन पहले डिलीट की थी, तो मेरे को याद नहीं वो फाइल यहाँ थी या यूएक्स में थी। इन दोनों में से होगी क्रोम की फाइल, तो वो डिलीट कर दो तुम। ठीक है, यहाँ पे तुमको 1 मिनट, ठीक है, यहाँ पे तुमको इतना ही काम करना है। तुमको एक क्रोम की फाइल मिलेगी, उसको यहाँ से डिलीट कर दो। और फिर आओ वेलोरेंट में लाइव, यहाँ पे आओ तुम इंजन में, बाइनरीज में, थर्ड पार्टी, CEF3 में और Win64 में। और यहाँ पे देखो क्रोम ELF.DLL, ऐसी फाइल तुमको वहाँ पे भी मिलेगी। इन दोनों को साथ में डिलीट करना है तुमको। अब जब भी तुम गेम अपने स्टार्ट करोगे तो जो ये वाली फाइल होगी ये तो वापस क्रिएट हो जाएगी, लेकिन जो यहाँ पे अपने रियोट क्लाइंट में थी यहाँ पे क्रोम की फाइल, वो यहाँ पे रिक्रिएट नहीं होगी। मतलब एक दो बार हो सकती है, लेकिन तुम बार बार डिलीट करोगे तो नहीं होगी। ठीक है, अब उसको डिलीट करने से होगा क्या कि जब भी तुम गेम ओपन करोगे तो तुम जैसे कि यहाँ स्क्रीन शॉट में देख सकते हो, तुम्हारे यहाँ पे जो पैच नोट्स है ये लोड नहीं होंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे शो नहीं होंगे, सिर्फ ये लोडिंग होगा। और अगर तुम कुछ देर तक यहाँ इस स्क्रीन पे रखते हो तो फिर तुम्हारे ऐसा वेलोरेंट का लोगो शो हो सकता है, लेकिन जो पैच नोट्स होंगे वो लो दिखाई नहीं देंगे इधर। और इससे तुम्हारा जो वेलोरेंट लैग है वो काफ़ी हद तक फिक्स होगा। ओके, और अगर पैच नोट्स फिक्स दिखाई दे रहे हैं तुमको, लाइक तुम्हारे लोड हो रहे हैं और तुम्हारी क्रोम फाइल भी डिलीट है, तो एक बार गेम को रीस्टार्ट मार लेना, कभी कभी हो जाता है ऐसा। ठीक है, और जब भी तुम शुरू में डिलीट करोगे तो जब भी गेम ओपन करो एक बार वो फाइल डिलीट कर लेना। और एक और चीज़ बता देता हूँ, जो तुम्हारी रैम है इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्री रखो। ठीक है, जब भी मैं अपना पीसी ऑन करता हूँ तो मेरी रैम 4 GB में से 3.3 GB अवेलेबल रहती है, मतलब सिर्फ 700 MB यूज़ होती है मेरे। तो तुम भी देख लेना जब भी तुम ऑन करो अपना यहाँ से टास्क मैनेजर, प्रोसेसर, मेमोरी में आके, कि जब भी तुम अपना पीसी ऑन करते हो तो तुम्हारी कितनी फ्री रहती है। अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए मेरी 2.7 GB अवेलेबल है, वरना नॉर्मली मेरी रहती है 3.3 GB। ओके, तो ऐसा रैम का भी बहुत फ़र्क है। तो ज़्यादा से ज़्यादा रैम क्लियर रखो, जो मैंने फाइल दी है उसको वहाँ पे रिप्लेस कर देना जो लोकेशन बताई है, और जो क्रोम की फाइल है उसको डिलीट रखो। बस यही था आज का वीडियो, और बस यही था यार आज का वीडियो। तो हाँ, ये वीडियो बस मैंने कुछ ट्राइडेंट के मेंबर हैं उनके लिए ही बनाया, मतलब उनको देखते हुए बनाया है। 2-4 हैं हमारे ट्राइडेंट के मेंबर जिनसे क्या बोलते हैं, गेम चल नहीं रहा था थोड़ा सा, तो मैंने सोचा क्यों ना बना दी जाए वीडियो। और बस यार आज की वीडियो तो यही था, और वीडियो पसंद आया हो और अगर इस वीडियो से तुम्हारा वैलोरेंट लैग फिक्स हुआ हो तो वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।